नाम मेरा सरदीप सिंह है जी। मैं 40-45 साल हो गए इतने रेहड़ी लाने, इस जगह से जिते मैं खड़ा इतने अड्डा भी नहीं सी। सिलमे में मेरे बाद बने उदों पहला सिंगल सड़क थी तो मैं इतने अपना टाइम पास करी जाना। इतों ही लड़कियां व्याईया ने, इतों मकान बनाए ने, इसे रेहड़ी तो इतें ही खड़ो के इन्नी कमाई इतें ही की है। इसे सिर मैं 3-10 सूट से गाड़ी इतने मैं बैठा, मालक भी मेरी हेल्प करते वो भी मेरे वाले ख्याल रखते, थोड़ा बहुत बजुर्ग आया कोई नहीं करी जा जिदा हूँ सर को। बाकी लड़कियां भी इतों सब कुछ 7 लड़कियां ने अपनी 90 साल उम्र हो गई है। 22-23 साल का पाकिस्तान आया ना, हाँ जी बड़ी वो कृपा आ गई है इस वे उस मालक की, रोटी दे जाता जे मेरे को कोई उच्चा मंगता वो कहता मेरे को 30 नहीं है 25 नहीं है 20 है मैं उसको 20 भी लै लेना, जे नहीं भी है तो मैं नहीं भी लेंगे तो मैं महाराज दे देता जिन्ने मैं देना उन्ने मैं उतो मिल जाते। बापू जी फिर अखी तो दिखता नहीं तो कुलचा किस तरह फिर तंदूर चो कटते? देखो जी मैं जो कुलचा करता मैं उन्होंने पहला ला के ना 2-3 मिनट तक उन्होंने मैं हाथ मार के पोटिया ना वेख लेना, वो सख्त हो गया। जो सख्त हो गया फिर मैं छीक फड़ना तो उतला पासा जरा थले कर देना, तो थले वाले उत्ते करके तो फिर मैं छेक के तो माड़ा तह करता तो वेना ठीक है एक आखना जिदा देता जो ठीक है तो रखता बहर कट के जो नहीं तो घ्यो ला के फिर दुपारे ला के फिर उन्होंने मैं छीकना लगता। हाथ नहीं सड़ते बापू जी? हाथ तो सड़ते थे ता ही उंगलों सड़िया, रोटी भी खानी है कमावे तो ता ही महाराज कहना भी मेहनत कर तो सब कुछ मिलेगा, जो हिम्मत ना करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लगातार समाज से भी जथेबंद भी संपर्क कर रहे हैं कि लगता कि अगर अख का ऑपरेशन हो जाए या रेहड़ी सही बच जाए तो वधिया गुजारा हो सकता? देखो जी इन्ना गुजारा हो सकता कि सज के रोटी खा सकता मैं तो सोहनी रेहड़ी बन गई तो काम भी मेरा चंगा होजूगा तो गाहक भी चंगा होगा आना सफाई न हूँ मेरे को रोटी जो कम अपना टाइम पास कर दिया तो चलो यह भी शुक्र है कि जो मैं बच्चे विह लिया तो नहीं मुड़ते तो बंदा अपना आप नहीं सामभ सकता उठ के बह नहीं सकता तो मैं फिर भी आन के हिम्मत बड़ी करता पर मैं नहीं करता करा वो खंडेला रहा बाबा शहीदा वा वो मैं भेजता मैं 17 साल बुखार ही नहीं चढ़िया हूँ भी बुखार नहीं हूँ। बापू जी पहला नालों ते हुण च की फर्क है जदों दी 40 साल पहले काम शुरू कीता सी उदों की कुछ ही इत्थे ते हुण की किदां दा फर्क है? उदों वेखो जी भी उदों नूं हुण माड़ा है उदों चंगा सी। उदों 30 रुपये का कुलचा वेख के ते 5-5 हज़ार रुपया खर्चदे रहे आ, हुण 30 दा ते 25 दा भी वेच के ना ते टाइम पास नहीं। फर्क पै गया कि हर जगह अमृतसरी कुलचा जरा विकन लग पाया? हूँ देखो जी कम इदा अगे हों एक रेहड़ी इतने होंगी एक संगम टाके हों एक चमत्कार होंगी 3 रेहड़िया सी। अज इस वे सामने होटल ने यह भटूरे तो कुलचे लाने शुरू करते हैं, ऐतवार ने होटल ने संगम टाके के नाल वो भी सारे कुलचे लाने सड़क से 6-7 रेहड़िया ने अड्डे के सामने साडे वालों तो उधर टुट के ही आना किसी ने कि जो साड़ी किस्मत उन्हें जो लिखा वो सानू मिलना भावें उतों आ के दे भावें दरबार साहब आ के दे।